हेलो नमस्कार तो मैं अभी जब बैक स्टेज थी और ग्रीन रूम में पूछ रही थी मैंने कहा भाई मेरे बारे में जानना चाहते हो कि गाने सुनना चाहते हो तो आप लोग बता दीजिए ओके तो मैं एक तारा से ओपन कर रही हूँ एंड आई विल शेयर फ्यू थिंग्स ओ रे मनवा तू तो बावरा है तू ही जाने तू क्या सोचता है तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गा सकते हो गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा सुन रही हूँ सुदबुद खोके कोई मैं कहानी पूरी कहानी है क्या किसे है पता मैं तो किसी की होके ये भी न जानी रुत है ये दो पल किया रहेगी सदा किसे है पता जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते कुछ चीज़ें कुछ बातें TEDx में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं इस मकाम तक कैसे पहुँची तो उसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हो जो चाहिए होता है ड्रीम्स सपने और उन सपनों पर आपका अपना विश्वास और उसके लिए वो दीवानगी वो एक फ्यूल होता है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको सोने नहीं देता है कि वो जागते हुए सपने देखना तो मेरे साथ ऐसे ही होता था जब मैं बहुत छोटी थी बरेली से बिलोंग करती हूँ छोटा सा होम टाउन छोटा सा शहर है एक तो वहाँ पर जब मैं टीवी में आज से 30-35 साल पहले जब मैं टीवी देख रही होती थी और वहाँ ग़ुलाम अली जगजीत जी इन लोगों के जब प्रोग्राम्स म्यूज़िकल प्रोग्राम जब देखती थी तब लगता था कि मैं यहाँ पर कब पहुँचूँगी मैं कब यहाँ पर मेरा स्क्रीन पे फ़ोटो कब आएगा तो ऐसा मुझे ये चीज़ें बस धुन लगी रहती थी और मेरे घर में कोई म्यूजिशियन नहीं है मम्मी पापा ऐसी मतलब जो स्पिरिचुअल भजन वजन गा लेना ऐसे नॉर्मली जैसे सब घरों में होता है वैसे ही था लेकिन मेरे घर में हारमोनियम तबला कुछ नहीं था तो कहीं से पता लगा कि एक आंटी के घर हारमोनियम रखा है जिसको कोई यूज़ नहीं करता है तो मैं दोपहर का जो स्कूल से आने के बाद का टाइम होता था तो घंटों बैठी सर खपाती रहती थी कि कैसे बजेगा वो लोग इतना अच्छा कैसे बजाते हैं और आई ट्राइड ऑन माई ओन तो मैंने पहले खुद से शुरू किया जब एक गाना बजाना शुरू कर दिया बहुत अच्छा लगा फिर रेडियो में उनको सुनती थी लता जी आशा जी तब मैं कहती मन में आता था कि मेरे गाने कब आएंगे रेडियो पे मेरे गाने कब बजेंगे मेरी आवाज़ कब सुनाई देगी पूरी दुनिया में और व्हेनेवर मतलब जब कभी भी ऐसा होता था मैं गाती थी मतलब चाहे पब्लिक में गाऊं या कहीं पर भी अकेले भी गा रही हूं तो एक जो ड्रीम था जो मैं शायद अभी तक शेयर किसी के साथ नहीं किया आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूं कि हमेशा एक सपना मुझे दिखता था नज़र आता था कि मैं गा रही हूं एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम है या स्टेडियम है और लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं हमेशा वो
लेकिन अब नहीं दिखता है वो शायद मैं उसके कुछ करीब आ गई हूँ मंजिल के, तो उसको लेकिन मैंने वाकई उसको जीने की कोशिश की, उसको उसमें विश्वास रखा कि जो मुझे, क्योंकि मैं हम लोग तीन भाई तीन सिस्टर्स हूँ और एक ब्रदर है मेरा, तो लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो सपना सिर्फ मुझे ही क्यों दिखता था, मेरे बाकी भाई बहनों को किसी को भी इस टाइप का कोई ड्रीम नहीं आ, तो मुझे लगता है वो सपने भी वो ही खुदा नवाजता है और उसको पूरा करने की शिद्दत ताकत हिम्मत वो ही देता है, और बाकी तो ये होता है कि उस रास्ते में बहुत से हर्डल्स आएंगे, जैसे आपको एवरी मंथ या एवरी थ्री मंथ्स में क्वार्टरली कुछ एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो वो एक ज़िंदगी के इम्तहान होते हैं जो हर किसी को पूरे करने होते हैं, तो उस तरीके से उन पे डटे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रियाज करते रहो, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है, जो जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, लेकिन उस पर इनर कोर में से, मतलब एक हो कि वो चीज़ आपको चैन ना लेने दे, इतनी बेचैनी हो उसको पाने की, तो आप उसके उतनी जल्दी उतने नज़दीक पहुंच सकते हो। फिर उसके बाद मेरी शादी, मतलब बरेली से बिलोंग करती हूँ, तो उस वहाँ पर अभी भी ट्रेंड ये है कि लड़की ग्रेजुएट हुई शादी कर दो, तो जब मैं 16-17 साल की थी तो बरेली में ओपी नैयर साहब, एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर जो रहे हैं, तो वो आए थे और उन्होंने मुझे बेस्ट म्यूज़िक मतलब बेस्ट सिंगर का मुझे अवार्ड दिया, तो मैंने घर आकर के बताया, किसी को कुछ नहीं पता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन होता है, कंपोज़र कौन होता है, लिरिक्स राइटर क्या, कुछ कोई ABCD फिल्मी दुनिया की, घर में किसी को कुछ नहीं मालूम था। देन मैंने बोला कि बहुत बड़े नामी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि तुम बॉम्बे आओ और बहुत अच्छी वॉइस है, तो मेरे पेरेंट्स, जैसे कि वहाँ पर होता है आजकल तो बहुत लोग पेन लेते हैं पेरेंट्स की, अरे बच्चे में कुछ टैलेंट है तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ वहाँ, बोले भाई शादी वादी हो जाए, तुम्हारा हस्बैंड गवाह है तो गाना हमारे बस का नहीं है, तुमको बम्बई में लेके डोलेंगे, तो ये वर्ड्स थे, उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन ये था कि बम्बई यदि लेके भी आ जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सक्सेस मिले ही, कि खाली किसी एक ने बोल दिया और चल पड़ो, तो वो तो वहीं रह गई बात। लेकिन तब से मैं सोचने लगी कि मेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, मैं कैसे बरेली से निकलूँगी, कैसे पहुँचूँगी वो, तो देन फिर एक रिश्ते की बात आई, और तो उनके पेरेंट्स ने, मिस्टर सेठ के पेरेंट्स ने गाना सुना, वो लोग तो फ्लैट, मतलब इमीडिएट रिश्ता तय हो गया एक भजन सुनाया और लॉक मामला देन मेरी पहली बस एक ही शर्त थी मिस्टर सेठ के साथ कि मुझे मेरे करियर में, म्यूज़िक के करियर में तुम कितना साथ दोगे, तो बोले कि मैं आज से ही प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो भी करना चाहती हो आई एम विद यू, इवन फ्रॉम दैट डे, उस वक्त ना गूगल था ना कुछ था, पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ से नंबर्स निकाले म्यूज़िक कंपनीज़ के, और मुझे जो पॉसिबल चीज़ें थी वहाँ ले करके गए, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट कराया, इवन मैं बोलूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, यहाँ तक जो पहुँची हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि लगता है नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, बहुत बार ऐसा लो फीलिंग भी आता था, लेकिन हमेशा वो पुश करते रहते थे कि नहीं हिम्मत नहीं हारना है, तो ये तो सब आती रहती हैं चीज़ें, जस्ट फेस इट, निकल जाएगा ये फेज़ भी निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो भी मतलब पहुँची हूँ इस मकाम तक, तो उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है और खुदा का बहुत बड़ा करम है कि उन्होंने मेरे एक एंजल की तरह वो मेरी लाइफ में आए। ही एक्सपायर्ड इन 2011 एंड उस वक्त तक मुझे सारे जितने भी अवार्ड्स हैं फिल्म फेयर और सब कुछ वो देख चुके थे, जो भी मेरे ड्रीम्स थे और वो जीते थे मेरे ड्रीम्स को, मैं सिर्फ बोलती थी मेरा मन है ये करने का, वो कहते हो जाएगा तो मेहनत करते रहो हो जाएगा, तो बाकी सारा जो बैकएंड होता है वो आप लोगों को पता होगा, आप जो ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज़ किया तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई वोकल्स ऑन माई म्यूज़िक, मुझे कैसे कंपोज करना है क्या करना है, बाकी सारा सरदर्द वो हैंडल करते थे। लेकिन उसके बाद भी जो मैं उनसे 20-22 साल, तो मैं अभी भी बोलती हूँ कि वो ही मेरे पहले गुरु रहे जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया कि हिम्मत नहीं हारना है, कुछ भी हो कैसी भी परिस्थिति आए आपको लगे रहना है, और अपने सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डटे रहो, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
मैं बॉम्बे आई. बॉम्बे आने का भी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सतीश कौशिक जी ने मुझे सुना था दिल्ली में, मैं रहती थी उस वक्त, तो बोले ये आवाज़ नहीं है इंडस्ट्री में, मैं इंट्रोड्यूस करूँगा. तो उनकी फिल्म एक आई थी वादा, तो मैंने उसके लिए गाना मतलब गाया था. तो मैं उसकी दो लाइंस आपको सुनाती हूँ, जो मेरी जो बोलते हैं ना बॉलीवुड में ब्रेक, तो जो ब्रेक वाला गाना था आई एम शेयरिंग, वो भी सूफियाना ही सॉन्ग था. और उसकी एक मज़ेदार चीज़ ये थी कि जो वो गाना मैंने जब कंपोज़ किया था, वो एक लंदन के बहुत अच्छे बहुत फेमस शायर हैं चमन लाल चमन जी, उन्होंने लिखा था. आई एम शेयरिंग दैट सॉन्ग. सानिधा पमा मगना गमगा सा नि सा गमगा सा सानिधा मगा मनिधा मगा मगा सा जिंदगी को सवार दे मौला, जिंदगी को सवार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे निखार दे मौला, जिंदगी को सवार दे मौला, तेरे जलवों को देखने के लिए, तेरे जलवों को देखने के लिए, मुझको आँखें हजार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे निखार दे मौला, जिंदगी को सवार दे मौला. तो दैट वाज द बिगिनिंग. आई थिंक मेरे पास बहुत कम समय बचा है, तो लेटेस्ट जो मैंने अभी एक सॉन्ग गाया था लास्ट ईयर फिल्म नीरजा के लिए, तो वाकई में उस फेज मेरे साथ क्या हुआ है कि इंडस्ट्री में जो भी मुझे गाने मिले हैं वो इत्तिफाकन वैसा ही कुछ कुछ मेरे साथ हो रहा होता है लाइफ में. तो जीते हैं चल जो मैंने गाना गाया था, तो वाकई मैं उसी जोन में से निकल रही थी, कोशिश कर रही थी बाहर आने के लिए. बड़ा खूबसूरत सॉन्ग प्रसून जोशी जी ने लिखा है, और उसके लिए जो एक मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं एक कॉलेज में सूफी म्यूज़िक के बारे में कुछ लेक्चर देने के लिए गई थी, तो एक बच्ची आई वहाँ पर और उनको शी वॉज पैरालाइज और व्हील चेयर पर आई थी, तो बोली मैम मुझे आपसे मिलना है. मैंने कहा डेफिनेटली आफ्टर दिस टॉक वी विल मीट. देन जब सब कुछ ख़त्म हुआ मैं उसके पास जाकर के बात किया, तब उसने मुझे बताया कि वो सुसाइड करने का सोच रही थी. 16-17 साल की बच्ची बोल रही थी कि मेरे को बुखार आया और मुझे पैरालिसिस हो गया और मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने ये गाना रेडियो में सुना कि जीते हैं चल जीते हैं चल, और मैंने ये डिसीजन चेंज किया, नाउ आई वांट टू लिव. तो मुझे इतना अच्छा लगा, जो सबसे अच्छी चीज़ कि हमें नहीं मालूम हम जाने अनजाने कितने सारी लाइफ्स के लिए एक मेडिसिन का काम, एक हीलिंग का काम कर रहे होते हैं. तो दैट्स वाई मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं जो भी गाना गाऊं उसमें कुछ बात हो, कुछ मैसेज हो, किसी को इंस्पायर कर जाऊं, किसी को हील कर जाऊं, कि किसी की भी ज़िंदगी यदि संवर जाए तो उससे बेटर काम कुछ नहीं हो सकता. आफ्टर तुम ही हो बंधु मुझे इतने गानों के ऑफर्स मिले. म्यूज़िक डायरेक्टर बोल रहे थे कि आपने तो क्लब सॉन्ग गा लिया, नाउ सिंग मुजरा, नाउ सिंग आइटम सॉन्ग. तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं गाना है कोई भी रबिश सॉन्ग, आई डोंट वॉन्ट टू सिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग जो मेरी रूह को पसंद है और जिससे मैं कुछ कन्वे कर सकूँ, कुछ कनेक्ट कर सकूँ कि जो लोग सुने वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाएँ, उसमें डूब जाएँ, भीग जाएँ. दैट वॉज माई थिंग कि मैं वो करना चाहती थी, अभी तक कामयाब भी रही हूँ. तो लास्ट में मैं ये सॉन्ग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो लास्ट ईयर मैंने गाया था. कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप
जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल. थैंक यू सो मच.